छोटी सी कहानी तीन राजकुमारियों की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी ट्यूब पर, जहां आज हम तीन राजकुमारियों की कहानी लेकर आए हैं। अगर आप भी इस कहानी को जानना चाहते हैं तो वीडियो का एंड मिस ना करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत पुराने समय की बात है, एक राजा थे जिनकी तीन राजकुमारियाँ थी। राजा ने तीनों राजकुमारियों को शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास गुरुकुल में भेजा था। तीनों राजकुमारियाँ कई वर्षों तक जंगल में अपने महलों से दूर रहकर अपने राज्य वापस आई थी। राजकुमारी के महल वापस आने की खुशी में राजा ने बहुत बड़ी दावत आयोजित की। राजा ने अपनी तीनों राजकुमारियों को दावत के दौरान राज्यसभा में उपस्थित रहने को कहा। दावत शुरू होते ही राजा ने अपने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या आप राजकुमारी से कुछ सवाल करना चाहेंगे? हमें भी तो मालूम हो हमारी राजकुमारियाँ हमसे दूर होकर गुरु से क्या शिक्षा लेकर वापस आई हैं। महाराज की बात सुनते ही मंत्री जी ने कहा, अवश्य महाराज, मैं इन तीनों राजकुमारियों से एक ही सवाल करना चाहूँगा। आपका प्यार तो हमें मालूम है कि आप इन तीनों राजकुमारी को एक बराबर प्यार करते हैं, पर हम सभी सभा में उपस्थित यही जानना चाहते हैं कि तीनों राजकुमारी आपसे कितना प्यार करते हैं। तो बड़ी राजकुमारी ने तुरंत उत्तर दिया, हम महाराज को इतना प्यार करते हैं जितना सूर्य इस धरती से करती है। राजकुमारी का उत्तर सुनकर सभा में उपस्थित लोग खुश हो गए। दूसरी राजकुमारी ने कहा, मैं महाराज को इतना प्यार करती हूँ जितना महाराज अपनी प्रजा से करते हैं। सभी लोग ये उत्तर सुनकर भी प्रश्न हुए। तभी तीसरी राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं महाराज को इतना प्यार करती हूँ जितना लोग खाने में नमक से करते हैं। तीसरी राजकुमारी के उत्तर से सभा में उपस्थित लोग हंसने लगे। मंत्री चुपचाप राजकुमारी के उत्तर पर विचार कर रहे थे, तभी महाराज गुस्से भरी आवाज़ मंत्री के कानों में पड़ी, मंत्री जी, अभी तुरंत आप कुछ सिपाहियों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करें। राजकुमारी को ये कहकर जंगल में छोड़ आने को कहा। तभी राजकुमारियों की शिक्षा अधूरी लग रही है। राजकुमारी अपने पिता के मुंह से ये सुनकर दंग रह गई। उन्होंने सोचा था कि महाराज मेरे उत्तर से प्रसन्न होंगे, पर उन्होंने तो मुझे दंड दे दिया। राजकुमारी अपनी आंखों में आंसू लिए महल से बाहर आई तो उन्हें मंत्री जी ने एक घोड़े पर बैठने को कहा। राजकुमारी घोड़े पर चढ़कर बैठ गई तो मंत्री जी के साथ दो सिपाही और अपने अपने घोड़े चढ़कर जंगल की ओर रवाना हो गए। राज्य से बाहर निकल मंत्री ने राजकुमारी से कहा, आपका उत्तर तो सबसे सर्वश्रेष्ठ था, पर आपको सजा क्यों मिली ये तय नहीं कर पा रहा हूँ। राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं महाराज पर नाराज नहीं हूँ, दुनिया का ये दस्तूर है, आप लोगों के विचार से हटकर कुछ करते हैं या कहते हो तो दुनिया उसे समझ नहीं पाती, इस वजह से अब मुझे सजा मिली है। मंत्री ने राजकुमारी से कहा, आप परेशान ना हो, मैं अभी महल जाकर महाराज को सब बताता हूँ और मैं अभी आपके साथ यहाँ दो सिपाहियों को छोड़कर जाता हूँ। ये बोलकर मंत्री महल की ओर रवाना हुए। मंत्री जी महल पहुँचकर सबसे पहले रसोई घर में जाते हैं और बिना नमक का पकवान बनाने को रसोईया से कहते हैं। उस पकवान को एक थाल में लगाकर दरबार में उपस्थित करते हैं। इस थाल को महाराज के पास पेश किया जाता है। थाल में तरह तरह के पकवान देखकर महाराज कुछ समझ नहीं पाते। महाराज मंत्री से पूछते, ये सब क्या है? राजकुमारी को आप जंगल छोड़ जाएं? मंत्री ने उत्तर दिया, जी महाराज, और साथ ही आपके लिए भोजन है, आप इसे चख के बताएं कि ये कैसा है। महाराज खाना खाते ही समझ गए कि मंत्री जी ये थाल क्यों बनवाए हैं। महाराज को अपनी राजकुमारी की कही बात याद आती है, जितना खाने में नमक ज़रूरी है उतना वो प्यार करती हैं। महाराज की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत मंत्री जी के साथ जंगल में राजकुमारी के पास पहुंचकर उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और राजकुमारी को अपने साथ महल लेकर लौट जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।